साथ पार्टी से उतरे हैं गुना से, इनका राजनीतिक भविष्य आप क्या किस तरह से देख रहे हैं और कल आने वाले चुनावी नतीजे किस तरह किस तरफ जाते हुए इनके लिए दिखाई दे रहे हैं आपको? इन तीनों नेताओं की जो कुंडली हमारे पास अवेलेबल है उसके अनुसार इनकी तारीखें ओपन नहीं की जा सकती, पर इनके अनुसार ये तीनों ही नेता केंद्र में मंत्री बनने वाले हैं। चुनाव तो ये जीत ही जाएंगे और उसके बाद में ये मंत्री बनेंगे केंद्र में, तीनों ही, शिवराज सिंह जी, वीडी शर्मा जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया तो अभी भी मंत्री हैं। इनके मंत्री बनने के बाद वीडी शर्मा जी को प्रदेश अध्यक्ष का ये छोड़ना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में क्लीन स्वीप होना है, वहाँ पे कोई भी कांग्रेस का नेता नहीं जीत सकता है, इसलिए वहाँ के नेताओं की, विपक्ष के नेताओं की बात करना व्यर्थ है। तो यहाँ के ये जो तीन नेता हैं बड़े, ये केंद्र में मंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। चलिए, तो ये अच्छी खबर आपने सुना दी कि मध्य प्रदेश के तीन नेता जो हैं वो मंत्री बनकर जाएंगे। लोकेश जी, आप कैसे देखते हैं, तीन मंत्री मध्य प्रदेश थे, मध्य प्रदेश के ये जो दमदार नेता हैं शिवराज जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, विष्णुदत्त शर्मा जी, इनका आप आगे का कैसा देखते हैं राजनीतिक भविष्य? केंद्र में पहुंचेंगे, शिवराज जी तो काफ़ी वरिष्ठ हैं, कहने वाले ये भी कहते हैं कि आगे जाकर संगठन में भी कोई महत्वपूर्ण दायित्व उनको मिल सकता है, केंद्रीय संगठन में हो सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे किसी दायित्व की तरफ भी बढ़ चले वो। अभी तो केंद्रीय मंत्री का दावा उनका बहुत मजबूत दिखता ही है, ये तो हम लोग अपने सामान्य राजनीतिक आकलन के आधार पर कहते हैं। ज्योतिष क्या कहता? ज्योतिषीय सूक्ष्म गणनाओं से शिवराज जी की कुंडली में स्पष्ट है, जैसे शेर अगर दो कदम पीछे आता है तो डेफिनेटली उसकी अगली छलांग बहुत लंबी होती है। इस चुनाव के बाद शिवराज जी सबसे बड़ी, हमको लगता है, अधिकतम वोटों से जीतने वाले उम्मीदवार होंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और निश्चित तौर पर बहुत अच्छे पोर्टफोलियो से केंद्र में मंत्री बनेंगे। साथ साथ सरोज पांडे का जिक्र करना चाह रहा हूं मैं। सरोज पांडे जी जो छत्तीसगढ़ से चुनाव लड़ रही हैं, उनकी कुंडली के सूक्ष्म अध्ययन में राहु एक मैजिक प्लैनेट होता है जी। तो आप मानकर, मुझे ज्योतिषी गणनाओं से ऐसा संकेत है कि राहु के कारण सरोज पांडे जी भी विश्व पटल पर भारत की छवि को बुलंद करेंगी, ऐसा पोर्टफोलियो उनको मिलेगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि सरोज पांडे जी को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान मिल सकता है और उनकी छवि ऐसी है राहु, जिसमें आप कह रहे हैं मैजिकल प्लैनेट है, एक जादुई ग्रह है, हालांकि उसको छाया ग्रह भी कहा जाता है जी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा, हो सकता है कि वो किसी ऐसे पोर्टफोलियो में आए जैसे सुषमा जी रही हैं, सुषमा, दिवंगत दिग्गज नेता बीजेपी की सुषमा स्वराज। देखते हैं भविष्य क्या निर्धारण करता है जी। वर्षा जी, इन्हीं प्रश्न का उत्तर आप अपने कार्ड्स के जरिए कैसे देती हैं जी? जी, मैंने शिवराज जी, वीडी शर्मा जी और सिंधिया जी के लिए भी कार्ड्स निकाले हैं और निश्चित तौर पर ये तीनों ही मुझे सफल होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब लेकिन अगर इनका विश्लेषण करें, देखिए, शिवराज जी को वाकई बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके विचारों में आज भी घर वापसी यानी कि मध्य प्रदेश में रहने की एक बड़ी प्रबल इच्छा है। एक कोई भी उनको बड़ा पद मिल जाए फिर भी उनको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, इसलिए कहीं ना कहीं उनका मन यही, जो वो पिछले समय से उन्होंने मध्य प्रदेश में जो भी समय बिताया उसी पद पर उनका मन है, ऐसा कार्ड्स कहते हैं। सफलता निश्चित तौर पर उनको मिलेगी। दूसरा कार्ड मैंने निकाला है वीडी शर्मा जी के लिए। देखिए, आपने पिछले थोड़ी देर पहले भी अभी एक सोर्ट्स को लेके प्रश्न किया था, तो सोर्ट्स जो होते हैं वो हमारे विचार दर्शाते हैं, हमारी मानसिक दशा दर्शाते हैं। तो जब भी सोर्ट्स का कार्ड आता है यानी कि व्यक्ति सारा कुछ विचार मतलब सारा कुछ निर्णय अपने विचारों से ले रहा है, उसके साथ जो भी घटनाएं घट रही हैं वो उसके विचारों के अनुरूप, अनुकूल, अनुरूप या जैसा भी आप कह सकते हैं, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव, नेगेटिव विचार हो तो नेगेटिव। वीडी शर्मा जी के मामले में ये नज़र आ रहा है कि उनकी कल्पना नहीं है, उनको अपनी कल्पना से इतर जाकर कुछ ना कुछ पद मिलेगा जितना उन्होंने खुद नहीं सोचा है, उसकी अपेक्षा से अलग उनको पद मिलते हुए नजर आता है। सकारात्मक संदर्भ है जी, बिल्कुल सकारात्मक, बिल्कुल पॉजिटिव है। सिंधिया जी की बात करें तो निश्चित तौर पे, देखिए एक बात और है कि ये ना मेजर अरकाना का कार्ड है, यानी कि वो चाहे कुछ भी करें
उनकी सत्ता, उनका राजनीतिक करियर कभी समाप्त नहीं होगा। और एक बहुत बड़ी बात ये, मैं भीतरी गणित तो नहीं जानती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं का उनको बहुत सपोर्ट मिला है, चाहे वो उनकी घर की महिला हो चाहे बाहर की। अब ये इसका राजनीतिक विश्लेषण तो आप ही कर पाएंगे, लेकिन मेरे कार्ड्स ये कह रहे हैं कि उनको हिम्मत हमेशा अपने घर की महिलाओं से ही मिली है और आगे एक लंबे समय तक वो नज़र आएंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि उनकी माता जी जो अभी उनका निधन हुआ, बहुत स्नेह के अभिन्न बंधन से जुड़े थे। उनकी दादी वो एक बहुत लीडिंग पॉलिटिशियन रहीं, राजमाता विजयराजे सिंधिया, और उनकी पत्नी जो हैं प्रियदर्शनी राजे सिंधिया, इनका बहुत सपोर्ट है उनको, और उनकी बेटी भी है एक, उनका भी बहुत सपोर्ट है। तो आपने ठीक कहा कि पारिवारिक दृष्टि से उनको बहुत सहयोग है, आकर्षक व्यक्तित्व के धनी हैं, तो फैन फॉलोइंग भी उनकी बड़ी मजबूत है, और जाहिर तौर पर उनका समर्थन, सहयोग और उनकी शक्ति, क्योंकि मैं टाइगर देख रहा था आपके मेजर अरकाना के कार्ड में, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी। प्रिया शरण